चलिए बच्चों, रीजनिंग में आज हमारा जो है टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट है। हम लोग डायरेक्शन टेस्ट ये चैप्टर देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, इजी है, बहुत बेसिक बेसिक से इस पर आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, सब देखेंगे। हम लोग जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करने वाले हैं और फ्लुएंट लेवल तक पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। प्रयास करेंगे कि इसके जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, मतलब कई टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है और कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, हमें यहाँ पे क्या जानना होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जनरली इसके बारे में सब कोई जानता है, ठीक है। हम इसमें 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से कराएंगे, आप उसको देखेंगे तो फिलहाल आपको लगेगा एकदम आसान सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन समझते हैं। डायरेक्शन हमारे पास जो इसका बेसिक डायरेक्शन होता है, जो आपको पता है कि चार इसके जो डायरेक्शन, मूल डायरेक्शन जो आप यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। इसको अगर आप हिंदी में कहेंगे तो पश्चिम यहाँ, उत्तर, दक्षिण, ये आपके पास दिशा है, ठीक है। अब इसके अलावा भी दो डायरेक्शंस के बीच की अगर दिशा की बात करें तो इन दोनों का मिक्स, हम यहाँ पे सब डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखिएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। कुछ हम आपको यहाँ पे बेसिक रूल्स बताएंगे, वही 2-3 रूल अगर आप ध्यान देंगे तो डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन फटाफट आपसे लग जाएंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का है, किसको हम बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे, यहाँ पे ईस्ट और साउथ, तो इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे, यहाँ पे है आपका साउथ वेस्ट, क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलेंगे, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या सर इसको ईस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, आगे पीछे इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इसके बेसिक आपके जो चार डायरेक्शन हो गए, वो चार डायरेक्शन क्या हो गए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे तो आपको जो डायरेक्शन लेकर के चलनी है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। इसी तरीके से हम लोग मैप भी देखते हैं, जब मैप देखने की बात होती है तो हम लोग मैप भी इसी तरीके से देखते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप अगर आप ऐसे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका फिलहाल नॉर्थ वेस्ट, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया साउथ ईस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्येक डायरेक्शन है ईस्ट से नॉर्थ के बीच में जो एंगल हम लोगों का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, कितने का, 90 डिग्री का। यहाँ जो हमारे मेन डायरेक्शन है नॉर्थ से वेस्ट के बीच में 90 डिग्री और यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में 90 और ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, ये आप ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट अगर यहाँ पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे इस पोजीशन पे टोटल 360 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और यहाँ से ये जो बीच की डायरेक्शन जा रही है, ये हमेशा इस 90 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब यहाँ 45 होगा और यहाँ, बात क्लियर है सभी में, सभी में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे और हमें क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझना है, आपने डायरेक्शन के बारे में समझ लिया, अब आपको ये समझना है कि कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में है वो कितने तरीके से टर्न कर सकता है। तो हम यहाँ पे टर्न करना अब आपको सिखाएंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति ईस्ट की तरफ फेस करके है, नॉर्थ की तरफ है, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में उसने फेस कर रखा है, वो टर्न कैसे करेगा, या तो उसमें जो क्वेश्चन में टर्न की बात जब करेगा, या तो वो लेफ्ट टर्न बोलेगा, राइट टर्न बोलेगा, क्लॉकवाइज बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा, ठीक है ना। तो पहले इनको हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। तो जब भी बात करेगा तो आपका क्लॉकवाइज जब बोला जाएगा, जब भी आपसे क्लॉकवाइज बोला जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज जब बोला जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब जिस दिशा में घड़ी चलती है, घड़ी की दिशा में अगर मुड़ने की बात करेगा तो इसको आप क्या समझेंगे, राइट टर्न, क्या समझेंगे, राइट टर्न। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है और वो राइट टर्न कर लिया, तो आप क्या समझेंगे, अगर ये राइट टर्न बोला गया या क्लॉकवाइज बोला गया तो दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो राइट टर्न, इसको राइट मतलब हमारा क्लॉकवाइज जो होता है ये राइट होता है, मतलब दायां,
एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी जिस दिशा में चल रही है उसकी विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टर्न। क्या बोलेंगे, मतलब बाएं साइड पे मुड़ना। इस बात को समझिएगा, मतलब अगर ईस्ट की तरफ फेस करके रखा है तो ईस्ट की तरफ से अगर ये राइट साइड टर्न हो रहा है या क्लॉक वाइज टर्न हो रहा है तो दोनों एक ही डायरेक्शन होगा। मतलब यहाँ से अगर क्लॉक वाइज बोलेंगे तो भी 90 डिग्री टर्न होगा, मतलब साउथ की ओर जाएगा। राइट बोलेंगे तब भी 90 डिग्री टर्न होगा और किधर जाएगा, साउथ की ओर। और ध्यान दीजिएगा, जब भी लेफ्ट और राइट टर्न की बात करेगा, ठीक है, जब भी लेफ्ट और राइट टर्न की बात करेगा तो कुछ डिग्री मत घुमाइएगा, वो सीधे 90 टर्न होगा। कितना, जैसे इधर है तो हमारा राइट टर्न का मतलब पूरा ये, ऐसे मत सोचिएगा सर यहाँ है राइट टर्न का मतलब ये 45 पे नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ऐसा मत दिमाग आप लोग लगाइएगा। सीधे टर्न हमारा क्या होगा, हाँ पूरा 90 डिग्री का। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में उसने साफ साफ लिख दिया कि 45 डिग्री टर्न होता है तब वहाँ पे बात दूसरी होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कितना टर्न कराना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो आपको बहुत ईजिली आपका जो है सारा का सारा काम यहाँ पर आसान कर देगा। आपको पता है कि यहाँ 360 डिग्री का एंगल है, जो आपका एक डायरेक्शन मेन डायरेक्शन है ये और ये, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जो सब डायरेक्शन है ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है 45-45 डिग्री में। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति कभी भी एक बार लेफ्ट कहीं पे मुड़ रहा है और एक बार राइट मुड़े तो वो जिस दिशा में है उसी दिशा में खड़ा रहेगा। मतलब इसके नियम है कुछ, यदि कोई व्यक्ति जितनी बार लेफ्ट चला उतनी बार ही राइट चला, ठीक है ना, तो वो अपने मेन डायरेक्शन में ही रहेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वो 10 बार लेफ्ट मुड़ा 10 बार राइट, तो अभी उस किस दिशा में उसका फेस है, तो आप कहेंगे पूर्व की तरफ ही है। क्यों, क्योंकि जितना लेफ्ट टर्न होगा उतना ही राइट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं एक बार किधर टर्न हुआ, राइट, फिर एक बार लेफ्ट टर्न हुआ तो फिर से उसी डायरेक्शन में आ गया। इसी तरीके से 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट होऊंगा तो फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति जितनी बार लेफ्ट और उतनी बार राइट टर्न होता है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला नियम है, यदि कोई व्यक्ति जितनी बार लेफ्ट या दाएं बाएं घूमेगा उतनी बार दाएं घूम जाए तो उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई व्यक्ति दो बार लेफ्ट या दो बार राइट टर्न होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से दो बार लेफ्ट या दो बार राइट टर्न होता है, मतलब टू लेफ्ट या टू राइट टर्न होता है, तो वो जिस डायरेक्शन में है, जिस दिशा में है, उसकी विपरीत दिशा में पहुँच जाएगा। मतलब दो बार लेफ्ट दो बार राइट टर्न हुआ तो प्रारंभिक दिशा की विपरीत दिशा में आ जाएगा, मतलब प्रारंभिक दिशा के विपरीत दिशा में होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखिए, समझिए, मैं इस पोजीशन में हूँ, इसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो मेरा फेस किधर है, ईस्ट की तरफ। मैं दो बार अगर लेफ्ट टर्न हूँ या दो बार राइट टर्न हूँ तो जिस डायरेक्शन में उसके विपरीत डायरेक्शन में मेरा फेस हो जाएगा। जैसे हमने दो बार राइट टर्न मारा, एक दो, मेरा फेस किधर हो गया, वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैं इस डायरेक्शन में हूँ, यहाँ से दो बार लेफ्ट टर्न मारता हूँ, राइट टर्न मारा, टर्न मारा दो बार ना, तो किधर पहुँचा, वेस्ट में। अब यहाँ से दो बार हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो लेफ्ट टर्न लेंगे एक हो गया, दोबारा लिए तो किधर पहुँच गए, फिर वेस्ट में। तो ये सब नियम ऐसे है ना, ये आपके दिमाग में होगा,
तो ये बड़ा अच्छा काम करेगा। कभी क्वेश्चन को पढ़ते ही आप तुरंत आंसर कर देंगे, जैसे कह दिया कि एक व्यक्ति गया 10 बार लेफ्ट मुड़ा, 10 बार राइट मुड़ा, 5 बार फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 8 बार राइट मुड़ा, तो आप क्या करेंगे, सीधे लेफ्ट राइट जितना कटने लायक होगा उतना काट देंगे, जो बचेगा उतना घुमा देंगे। अभी इस पर क्वेश्चन हम कराएंगे, बात समझ रहे ना। तो इस पर बहुत बेसिक्स आपको सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो यदि 2 बार लेफ्ट मुड़ता है या 2 बार राइट मुड़ता है तो वो विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा, मतलब प्रारंभिक दिशा के विपरीत दिशा, 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट अगर होता है तो प्रारंभिक दिशा के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। अब याद रखिएगा एक और नियम इससे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, कितना 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो ये 1 बार राइट के बराबर होगा। अगर कोई व्यक्ति 3 बार राइट मुड़ता है तो ये 1 बार लेफ्ट के बराबर होगा। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, समझाइए। देखिए यदि कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है, वो 3 बार अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो 1 बार इधर, 1 बार इधर 2, 1 बार इधर 3, बात समझ रहे हैं, तो किधर आ जाएगा, साउथ में, और यहाँ से 1 ही बार राइट मुड़ जाए तो किधर आ जाएगा, तो 3 बार लेफ्ट मुड़ने पर जहाँ पहुँचेगा 1 बार राइट मुड़ जाए तो वहीं पहुँच जाएगा, बात समझ में आया। इसीलिए हमने बोला 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर वो फेस करके खड़ा है वहाँ से 3 बार लेफ्ट मुड़ता है या 3 बार राइट मुड़ता है तो उसकी उसी दिशा में से फिर से पहुँचने के लिए 1 बार उसे लेफ्ट या राइट टर्न करना पड़ेगा, मतलब अगर 3 बार लेफ्ट टर्न होता है तो 1 बार राइट टर्न हो जाए तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, दोनों बराबर है। 3 बार राइट टर्न होता है और 1 बार लेफ्ट टर्न हो जाए तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये बराबर है, बात क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम इसका क्लियर होना चाहिए। अब डायरेक्शन में ये तो बेसिक सा टॉपिक था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होता है, उसको हम लोग अगले टाइप में लेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप का जो है प्रश्न, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, मैं आपको 2 मिनट के लिए बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है उसको, लेकिन हम क्वेश्चन के अगले टाइप में लेकर के चलेंगे, अगले प्रकार का जब हम वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे। क्या यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, डायरेक्शंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्यों हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किस तरीके से टर्न होगा आपने ये भी सीख लिया, ठीक। चलिए अब हम इस पे जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कहाँ लगता है भाई, समकोण त्रिभुज पे, कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज, मतलब जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, मतलब यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री है, एक कोण आपका 90 डिग्री का हो, जिसे आप कहते हैं हाइपोटेनस, इसे कहते हैं आप बेस, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो इसको आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है, बस इसे आप ध्यान रखेंगे। जो लोगों को इसमें टफ सवाल लगता है, जो ज़्यादा कठिन प्रश्न लगता है, वो पाइथागोरस थ्योरम का ही लगता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही इजी वे में अगर आपको ये अच्छे से पता है और डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो नो डाउट आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम इस पे भी प्रश्न करेंगे, हम टाइप 1 से शुरू करेंगे, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरीके से सारे प्रश्न इसके हम देखेंगे। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। हम टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम आपको ये पूरा क्वेश्चन लिख के बताते हैं, उसके बाद हम सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देंगे कि कोई व्यक्ति है किधर फेस करके खड़ा है, फिर किधर किधर टर्न हो रहा है, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन भी, रिवर्स डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आता है, जैसे एक तो पहले आपसे ये कह देगा कि कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, वो 10 बार लेफ्ट 10 बार राइट फिर इतनी बार लेफ्ट इतनी बार राइट मुड़ता है, तो बताइए अभी उसकी उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ये पहला टाइप हो गया क्वेश्चन का। एक तरीका ये होता है, कहेगा एक व्यक्ति किसी दिशा में फेस करके खड़ा था, वहाँ से 10 बार लेफ्ट मुड़ा 3 बार राइट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा, अभी वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो बताइए वो पहले किस डायरेक्शन में था, बात समझ रहे ना। तो इस बात का भी बहुत विशेषकर हमें ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, ये नियम आप याद रखिएगा, ये नियम आपका बहुत हेल्प करेगा। मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, अब आप लोग भी साथ ही साथ लिखते चलिए। एक व्यक्ति लिखिएगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति
उत्तर दिशा में यदि वह दो बार बाएं, चार बार दाएं व अंत में एक बार बाएं मुड़ता है तो अभी उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। इस टाइप का सवाल आप बिल्कुल फटाफट कर लेंगे। कैसे? एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, ठीक है। यदि वह दो बार बाएं, चार बार दाएं व अंत में एक बार बाएं मुड़ता है तो अभी उसका मुंह किस दिशा में है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखना है लेफ्ट और लिखना है क्या, राइट। आप मुझे बताइए कि इसमें लेफ्ट कितनी बार मुड़ा है, दो बार पहले और चार बार दाएं और फिर एक बार। अब दोनों को आप जोड़ लेंगे, यहाँ कितना गया, तीन, यहाँ चार ही, तो चार में से तीन माइनस कर देंगे। चार में से तीन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक क्या आया, राइट। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और राइट, हमने क्या बोला, अगर तीन बार लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तीन बार राइट मुड़ रहे हैं तो अपने एग्जैक्ट डायरेक्शन में, एक्चुअल डायरेक्शन में है। इतनी बात क्लियर है ना, एग्जैक्ट एक्चुअल डायरेक्शन में है। लेकिन यदि किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा बार मुड़ेंगे तो उस वो डायरेक्शन डोमिनेट कर जाएगा। चार बार राइट मुड़ रहे हैं लेकिन लेफ्ट में कितनी बार मुड़ रहे हैं, सिर्फ तीन बार। तो पहली बात आप तुरंत क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट आपने देख लिया, तो रिजल्टेंट क्या आया, एक बार राइट। क्या आया रिजल्टेंट, एक बार राइट। तो उसका फेस किधर था, नॉर्थ में, नॉर्थ में था। एक बार राइट मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी पे और प्रश्न हम लोग लेते हैं सिंपल। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। राम अपने घर से निकलकर दो बार दाएं, छह बार बाएं व चार बार दाएं मुड़ता है तथा अंत में पुनः एक बार बाएं मुड़कर दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो बताइए राम के घर का मुंह किस दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि राम अपने घर से निकलकर दो बार दाएं मुड़ता है, छह बार बाएं मुड़ता है, चार बार दाएं मुड़ता है तथा अंत में पुनः एक बार बाएं मुड़कर दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो बताइए राम के घर का मुंह किस दिशा में है, ठीक है ना।
राम के घर का मुंह बताना है आपको कि किस दिशा में, पॉइंट को समझना है। फिर से आप सॉल्यूशन में वही करेंगे सेम काम, पहले आप रिजल्टेंट ले आइए। क्या ले आइए? आप लिखेंगे लेफ्ट, आप लिखेंगे राइट, कितनी बार लेफ्ट, दो बार दाएं, छह बार बाएं, फिर चार बार दाएं, फिर एक बार बाएं। तो रिजल्टेंट क्या आया? एक बार लेफ्ट। क्या आया? एक बार लेफ्ट। मतलब क्या है? एक बार लेफ्ट मुड़ने के बाद वो किधर जा रहा है? दक्षिण की दिशा में। एक बार लेफ्ट मतलब मुड़ने के बाद वो दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो कह रहा है कि राम के घर का मुंह किस दिशा में है। भाई आप जब भी निकलते हैं तो घर के मुंह के ही दिशा से निकलते हैं सामान्यतः, जो हमारा एक जो हमारी सोच होती है, वो अलग बात है कि खिड़की और दरवाजे से भी लोग कूद के जाते हैं, है ना, पता चलता है पीछे से जो है दरवाज़ा कूद के चले गए, छत पे से कूद के पड़ोसी छत पे चले गए, तो उस टाइप का निकलना नहीं। कहाँ से निकलना? सीधे दरवाजे से निकलना। तो कह रहा है कि घर का जो है डायरेक्शन, घर का जो है उनके मुँह किधर है, घर का मुँह बताना है। तो आप पहली बात इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, यहाँ पे अंतिम में दिशा दे रखी है। तो एक बार लेफ्ट मुड़ा तो वो किधर पहुँचा? दक्षिण में। तो कहाँ रहा होगा कि एक बार लेफ्ट मुड़ते ही वो दक्षिण पहुँच गया? वो पश्चिम में रहा होगा, आप देखिए, है ना, वो पश्चिम में रहा होगा, तभी तो एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो दक्षिण में आ जाएगा। मतलब जब भी लास्ट में से एक बार लेफ्ट आया है और लास्ट वाली डायरेक्शन दे रखी है, तो एक बार राइट घुमा देंगे। क्या कर देंगे? एक बार राइट घुमा देंगे। जैसे ये एक बार लेफ्ट आया रिजल्टेंट ना, लेकिन हमें क्या करना है, जो डायरेक्शन दे रखी है उसका एक बार राइट कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। तो वो दक्षिण की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम एक बार क्या कर देंगे, दक्षिण से एक बार राइट करेंगे, किधर आ जाएंगे? वेस्ट में। बात सबको क्लियर है? जब हमारा प्रारंभिक में ही, स्टार्टिंग में ही अगर हमारा डायरेक्शन दे रखा होता है, तो जो रिजल्टेंट आता है उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं। लेकिन अगर अंतिम का डायरेक्शन दे रखा है, लास्ट का डायरेक्शन दे रखा है, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट घुमाएंगे। आया वन लेफ्ट तो हम वन राइट घुमाएंगे। क्या करेंगे? वन राइट घुमाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक क्वेश्चन फटाफट आप यहाँ करिए, मैं ऐसे ही सिर्फ लिख रहा हूँ, ऐसे ही तुरंत लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में है कोई व्यक्ति है जो छः बार राइट मुड़ रहा है, तीन बार लेफ्ट मुड़ रहा है, फिर दो बार राइट मुड़ रहा है, फिर 45 बार, या ठीक है पांच बार लिख लीजिए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 45, पांच बार आपका लेफ्ट हो गया, फिर सात बार आपका लेफ्ट हो गया, और फिर आठ बार राइट हो गया। इतनी बार वो मुड़ता है तो किस दिशा में पहुंचता है? पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में पहुंच जाता है, पश्चिम की दिशा में पहुंच जाता है। प्रारंभिक दिशा बतानी है आपको, छः बार राइट, तीन बार लेफ्ट, दो बार राइट, पांच बार लेफ्ट, सात बार लेफ्ट, आठ बार राइट। इतना करने के बाद वो पश्चिम की दिशा में पहुंच जाता है। तो आपको प्रारंभिक दिशा बतानी है कि वो शुरू किस दिशा से किया था। आपको प्रारंभिक दिशा बतानी है, शुरू किस दिशा से किया था वो? दक्षिण की दिशा से। निकालिए निकालिए, लगाइए लगाइए, पूरा लगा के सब लोग बताइए। दक्षिण की दिशा। चलिए आ जाते हैं सर, एक बार राइट आ रहा है ना, देख लेते हैं। देखिए लेफ्ट है राइट है, कितनी बार राइट? छः बार। कितनी बार लेफ्ट? तीन। कितनी बार राइट? दो। कितनी बार लेफ्ट? पाँच। कितनी बार लेफ्ट? सात। कितनी बार राइट? आठ। तो ये कितना हो गया? आठ दो दस से सोलह, सात पाँच बारह तीन पंद्रह। तो एक बार क्या आया? राइट। तो किधर जा रहा है? पश्चिम की तरफ। तो एक बार राइट मुड़ करके, एक बार राइट मुड़ करके वो किधर जा रहा है? पश्चिम की डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक बार लेफ्ट मुड़ा देंगे तो किधर आ जाएगा? ठीक है, नॉर्थ, साउथ। किधर आ गया? साउथ में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे सब। ये कौन से टाइप के थे? टाइप फर्स्ट। ये टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। टाइप फर्स्ट में जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्यतः यही दो प्रकार के बनते हैं, या तो अंतिम डायरेक्शन दे रखा होगा, प्रारंभिक डायरेक्शन दे रखा होगा, आपसे ये दे देगा इतनी बार मुड़ा। और कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, बना लेंगे इसे,
एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, फिर एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, घुमाते ही रह जाते हैं और फिर लास्ट में कन्फ्यूज जाते हैं, लास्ट कितनी बार लेफ्ट घुमाया, कितनी बार राइट घुमाया, तो फिर यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो फिर आपका लगेगा नहीं। ये तरीका आप सिंपली इसको अपनाएंगे और नो डाउट इसमें किसी भी प्रकार का पहले टाइप का जो टफ से टफ प्रश्न होगा वो आप लगा लेंगे। तो ये तो डायरेक्ट लेफ्ट राइट का टर्न हो गया। अब आपका डिग्री पे घुमाना देखते हैं, कहेगा इतना डिग्री लेफ्ट, इतना डिग्री राइट, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे, दक्षिणावर्त इतना डिग्री पे घुमा, वामावर्त इतना डिग्री पे घुमा, तो उस टाइप के हम लोग प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा जो है पहले टाइप का पूरा क्वेश्चन था। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर बस यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग टाइप सेकेंड देखेंगे, जिसमें हम लोग एंगल पे डिग्री पे घुमाएंगे, और आपका जो है फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम पे भी बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते हैं, थैंक यू।